बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के बानी का नाम क्या था? सही जवाब है चौधरी रहमत अली। मुस्लिम लीग के क्याम की करारदाद की तायद सबसे पहले किसने की? सही जवाब है हकीम अजमल खान ने। खिलाफत पाकिस्तान स्कीम किसने और कब पेश की? सही जवाब है मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी ने 1939 में। तहरीके पाकिस्तान के दौरान किन दो लड़कियों ने सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झंडा लहराया था? सही जवाब है फातिमा सुगरा और बेगम इस्लाम एहसान। सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला था? सही जवाब है 1888 में। सूबा सिंध का पहला मुस्लिम अखबार किसने जारी किया? सही जवाब है सर अब्दुल्ला हारून ने। सूबा सिंध का पहला मुस्लिम अखबार कब जारी हुआ? सही जवाब है 1920 में। मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी कौन थे? सही जवाब है सैयद हसन अली बलग्रामी। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग के एक अजलास में किसकी तकरीर दोबारा सुनने की फरमाइश की? सही जवाब है बहादुर यार जंग। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग के किस अजलास में नवाब बहादुर यार जंग की तकरीर दोबारा सुनने की फरमाइश की? सही जवाब है 23 मार्च 1940 में। मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? सही जवाब है सर आगा खान। मुस्लिम लीग के क्याम के अजलास में शिरकत के दावतनामे किसने जारी किए? सही जवाब है ढाका के नवाब सलीमुल्ला ने। किस इलाके को शंगरीला ऑफ पाकिस्तान कहते हैं? सही जवाब है गिलगित और हुंजा को।